तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने बोला था कमेंट में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सुपर कंप्यूटर। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है 12 नंबर में, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, यानी कि परम सुपर कंप्यूटर जो है उसका आविष्कार किस कंपनी के द्वारा किया गया था। तो ये कंपनी आपका हो जाएगा ए नंबर, जिसका नाम है सीडेक। इसको आप याद कर लेना, परम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, सीडेक ने किया था। उसके बाद अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बाइट है। 8 बाइट बराबर 1 बिट होता है, तो आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे 1024 जो बाइट होता है ना, तो उसके बराबर 1 KB होता है, ठीक है। और 1024 KB बराबर 1 MB होता है, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लेना है। और उसके बाद 14 नंबर में क्या है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुपम, जो कि एक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। तो ये एक सुपर कंप्यूटर का परियोजना स्थल है, जिसे आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर में क्या है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोमीटर अथवा मेगावाइट, किलोबाइट अथवा मेगावाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है। तो एक बाइट 8 दीर्घ अंकों का बना होता है, यानी कि 8 बिट का बना होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। इसका 16 नंबर में क्या है, स्पैम किस विषय से संबंधित, तो ये सिंपल सवाल है दोस्तों, ठीक है। ए कंप्यूटर, बी कला, संगीत, खेल। तो स्पैम एक कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, इसे आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है, तो 17 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि डाटा की गति को मापने का प्रयुक्त यूनिट क्या है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आंसर कर सकते हैं बीट प्रति सेकंड, ठीक है। तो बीट से हम लोग डाटा के गति को मापते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी। तो 18 नंबर में क्या है देखते हैं, इंटरेक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, यानी कि इंटरेक्शन कोई जो यूजर को इंटरेक्शन देता है उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। प्रोग्राम, जैसे कि आप यूजर को कोई इनपुट दे रहे हो, उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोग्राम में प्रोसेस करके प्रोग्राम बनाता है, उसको प्रोसेस करके आपको दिखाता है, कंप्यूटर को ये बताता है कि ये प्रोग्राम, ठीक है, जो आप इनपुट दे रहे हो, कंप्यूटर को ये लगता है कि आप कुछ प्रोग्राम दे रहे हो, उसको प्रोसेस करना है, उसके बाद आपको आउटपुट में दिखाना, ठीक है। तो यही है इसका राइट आंसर डी हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसको आप याद कर सकते हैं TCS, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS। और एक कंपनी है बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, उसको भी आप याद कर लेना। और TCS नहीं रहे तो आप माइक्रोसॉफ्ट ले सकते हैं वहाँ पे आंसर, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो ये आपका रैम में अटक जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे कर्मादेश का मतलब क्या है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो अचानक आपका कंप्यूटर शटडाउन हो गया, तो वहाँ पे रैम जो है अपने स्टोर में वो उसको रीड करके रख देता है, ठीक है। तो जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है रैम का काम, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अच्छी तरह समझ आ गया है तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके बोलना कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ